ये क्या चीज है यार? ये तो कोई उड़न तस्तरी दिखाई दे रही है। संतोष नगर में एलियंस क्यों आए हैं? एलियंस? ये कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं होता। अब बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, और यो कौन है बिन बुलाए मेहमान जो फंटूश नगर के लोगों को डरा रहे हैं? बहादुर जरा देख तो सही। मैडम जी बचाओ। अरे हाँ। यो के कर दिया मारे बहादुर को। ओए हिंदी में बात कर। बहादुर को हमने मुर्गा बना दिया। तुम बहादुर का नाम कैसे जानते हो? हम एलियंस है, हम सब जानते हैं। अगर फंटूश नगर की जनता हमारी बात नहीं मानेगी तो हम सबको इसी तरह मुर्गा बना देंगे। इस वैज्ञानिक खोजी से जो आए दिन स्पेस में अजीबोगरीब सिग्नल भेजता रहता है और हमारे ग्रह की शांति भंग करता रहता है, ना खाने देता है, ना सोने देता है, ना कुछ करने देता है। कंट्रोल भैया कंट्रोल। अब तुम लोगों के पास एक ही रास्ता है, इस खोजी को कहो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर फंटूश नगर से चला जाए। अगर तुम लोगों ने अगले 24 घंटे में ऐसा नहीं किया तो हम फंटूश नगर के हर इंसान को मुर्गा बना देंगे। अब हमारा सारा मेकअप खराब कर दिया। बहादुर शीशा निकाल। ओए बहादुर तो मुर्गा बन गया है, इब मन्ने शीशा कौन दिखाएगा? तुम लोगों ने सुना, ये एलियंस हमको मुर्गा बना देंगे। ओ भल्ला अंकल, ये एलियंस वेलियंस कुछ नहीं होता, जरूर ये कोई साजिश है। वही पति जे, पर इस बहादुर का क्या, ये तो हमारी आंखों के सामने ही मुर्गा बन गया। चाचे मेरे बहादुर को डरा दिया, जाओ उसे लेकर आओ, मेरे बहादुर को कुछ नहीं होना चाहिए। बल्ला! मुफ्त में कोई चीज मिली नहीं कि तू शुरू हो गया? अरे बहादुर का चिकन फ्राई बनाकर खा रहा, मैं तन्ने छोड़ूंगी नहीं। पर ओ बंदूकड़ी जी, ओ ये रहा आपका बहादुर। हैं? ओ मेरा बहादुर जिंदा है? पता है मैं कितना घबरा गई थी। मैं तो अभी भी आपसे कहता हूँ बंदूकड़ी जी, ये कोई बहादुर नहीं है। निकालो, अरे कहाँ जाता है, जल्दी बाहर निकालो, खोजी सिंह को बाहर निकालो। खोजी सिंह जी, आपको फंटूश नगर छोड़कर जाना ही होगा, हम सबको मुर्गा बन के रहने का कोई शौक नहीं है। मेरी बात तो सुनिए दोस्तों, मैंने ऐसे कोई सिग्नल स्पेस में भेजे ही नहीं। तो एलियंस ने जो वीडियो दिखाया, क्या वो सब झूठ है? उस वीडियो में तो मैं ही था, पर जो लास्ट में स्पेस में सिग्नल भेज रहा था वो मैं नहीं था, मेरा यकीन कीजिए। वाह, तुम थे भी और नहीं भी, ये क्या बात हुई? हमें कुछ नहीं पता, 24 घंटों के अंदर ये शहर छोड़ दो खोजी। भतीजे बलवंत बंदूकनी जी, क्या आप लोग भी यही सोचते हो? मैंने हमेशा फंटूश नगर की भलाई चाहिए, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। मैंने देखा था उस वीडियो में जब खोजी अंकल स्पेस में सिग्नल्स भेजते हुए दिखाई दिए, पीछे कैलेंडर में तारीख थी 19 मार्च, पर उस दिन तो आप और चाचू शहर से बाहर गए थे, इसका मतलब आपने वो सिग्नल्स भेजे ही नहीं। बाप दीजिए,
तेरे छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बातें आती कहाँ से हैं? एक बात और, अगर वो एलियंस इतने ही ताकतवर हैं और किसी को भी मुर्गा बना सकते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले खोजी अंकल पर हमला क्यों नहीं किया? ये जरूर खोजी अंकल के खिलाफ कोई साजिश है। चलो लैब में चल कर देखते हैं, इसकी जड़ तक तो जाना ही होगा। पतिजे तू आखिर खोजी के लैब में टूट क्या रहा है? एलियंस ने जो वीडियो दिखाया था उसमें खोजी अंकल की लैब का यही हिस्सा था, क्योंकि वीडियो में सीन राइट साइड से दिखाई दे रहा था। किसी ने यहीं से वो सीन शूट किया होगा। ये देखो वायर्स, यानी यहीं पर एक हिडन कैमरा फिट किया गया जिससे वो वीडियो शूट हुआ। उस वीडियो में शुरू में जो दिखाई दे रहे हैं वो खोजी अंकल ही हैं, पर 19 मार्च को लैब में कोई और आया था और स्पेस में सिग्नल्स भेजने वाला वीडियो शूट कर गया। वाह, खोजी की खोज और भतीजे की सोच का कोई जवाब नहीं। ओ इब्बा, हमें क्या करना होगा भतीजे? पहले तो उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर वो उड़न खटोला नीचे उतरा था। यहाँ पर वो स्पेसशिप लैंड हुआ था। ये देखिए, और यहाँ पर एक मैन होल है, और यहाँ से 10 फीट पर वो ड्रम था। एक, दो, तीन, चार, नौ, 10। तो ये है उस मुर्गे का राज। यही वो जगह है जहाँ ड्रम रखा हुआ था, ये देखिए, और उस मैन होल के ऊपर वो उड़न खटोला खड़ा था। कुछ समझे आप लोग? मैं समझाता हूँ। जब उन एलियंस ने बहादुर अंकल को ड्रम में डाला तो ड्रम का निचला हिस्सा खुला और इस मैन होल का ढक्कन भी। बहादुर अंकल इस मैन होल के अंदर गए और उन्हें उस मैन होल से उड़न खटोले के अंदर खींचा गया और उनकी जगह इस मुर्गे को हमारे सामने पेश किया गया। मुझे देखा कैसे सुलझा दी कुत्ती, आखिर भतीजा किसका है? है? वो इसका मतलब यो मुर्गा बहादुर नहीं है? यानी वो एलियंस भी एलियंस नहीं है? वही हमें बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। हम जरूर करेंगे, आने दो एलियंस को वापस, इस बार हम उन्हें अपने जाल में फंसाएंगे। बंटोस नगर के वासियों, उम्मीद है तुम लोगों ने हमारा काम कर दिया। ओए एलियन जोकर, ये भोली वाली जनता को बुद्धू बनाना छोड़ दो, मैं नहीं मानता कि तुम किसी को मुर्गा बना सकते हो। ओए बच्चे, तू बहुत बोल रहा है, लगता है तुझे ही सबसे पहले मुर्गा बनाना होगा। और यो है खोजी अंकल का नया आविष्कार, रोबोटिक स्नेक। बना दिया इसे मुर 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 सांप 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 बचाओ। बहुत हो गई खोजी की वाहवाही, हमेशा अपने आविष्कारों के लिए नाम कमाता रहता है और मनमौजी को कोई पूछता तक नहीं। आज मेरा प्लान कामयाब होगा और फंटोस नगर की जनता खोजी को शहर के बाहर फेंक देगी। रुकावट के लिए खेद है मनमौजी अंकल, पर आपका प्लान कामयाब नहीं होगा। और खोजी की शक्ल पाने से कोई खोजी नहीं बन जाता, और खोजी जैसी अकल पाना भी जरूरी है। अब आप समझी बंदूकनी जी, खोजी अंकल की लैब में जो वीडियो शूट किया गया था उसमें स्पेस पे सिग्नल्स भेजने वाले खोजी अंकल नहीं, बल्कि खोजी अंकल के गेटअप में मनमौजी अंकल थे। ये भतीजा जितना सोचा उससे भी स्मार्ट निकला। भतीजे, ये तूने अच्छा नहीं किया, कहाँ से आ गए ये लोग? ओहो, तो ये डंका और टोलकी हैं एलियंस के गेटअप में। चिंचे, मनमौजी हमें छोड़कर भाग रहा है।
बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। नगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले। सब चोर चक्के इनके नाम से कांपे, जब सामने आ जाए तो सारे रास्ता नापे। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा।